फीट लंबाई और 14 फीट चौड़ाई इस प्रतिमा की विशाल, इतनी विशाल गणेश जी की प्रतिमा विश्व में कहीं भी नहीं है। आप ये पंडित जो गणेश जी की प्रतिमा है, ये सन 1901 में पंडित नारायण जी दादित ने स्थापित करी। अपने बाल्य अवस्था में जो स्वप्न आया उसको युवा अवस्था में आके साकार करा। करीब 3 साल बन के ये मूर्ति तैयार हुई। बाल्य अवस्था में जहाँ जहाँ स्थान पर इनका स्वप्न आया, जिस जमीन के लिए इनको स्वप्न आया, उस जमीन को आके यहाँ इंदौर में उसका स्थान देखा, देन वहाँ पर ये गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की। स्थापित करने के पूर्व यहाँ पर ये गणेश जी की छोटी प्रतिमा निकली, इसके पश्चात ये गणेश जी की प्रतिमा बड़ी बनाई। कहीं भी आप देखेंगे कि इतनी बड़ी प्रतिमा, कहीं गणेश जी की स्थापना के पहले, गणेश जी की पहले स्थापना ये प्रथम मंदिर है जहाँ पर गणेश जी की स्थापना के पूर्व यहाँ गणेश जी की इतनी मूर्ति है, उसकी स्थापना हुई, देन उसके बाद गणेश जी की स्थापना हुई। ये 25 फीट ऊँची और 14 फीट गणेश जी की मूर्ति है। इसके अंदर सिंदूर का चोला चढ़ता है। इस मूर्ति का निर्माण करीब 3 साल में हुआ। अष्ट धातु के सरिये उपयोग किए गए। सभी तीर्थ स्थानों के मठ, पवित्र नदियों का जल, गुड़धना, जो भी पवित्रता में आवश्यक है उसका समावेश करके बनाया गया है। प्रथम रोज गणेश उत्सव अभी 2 तारीख को था। इस समय प्रातः अभिषेक होकर सुबह प्रातःकाल द्वार खुले हैं, उसके पश्चात भगवान का दर्शन प्रारंभ हुआ है और 10 बजे करीब हवन चालू हुआ है, जो 12 बजे तक चलता है, 1.5 घंटे का हवन है। और हवन के पश्चात आरती का प्रारंभ हुआ। आरती करेक्ट 12 बजे होती है हमारे यहाँ पर, क्योंकि गणेश जी का जन्म प्रातः 12 बजे होता है, इसलिए गणेश जी का आरती का सुबह प्रातः गणेश जी की आरती में लाखों लोगों यहाँ गणेश जी का आरती का आनंद लेते हैं और आरती गाते हैं ताकि भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण हो। गणेश जी के भक्तों को, सभी देवी देवता, गणेश जी के सभी देवी देवता भक्तों को निवेदन है कि भगवान को मन से पूजने पे सब आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार गणेश जी के आप मन से 10 रोज आराधना करेंगे तो आपकी मनोकामना सब पूर्ण करेंगे गणेश जी महाराज। जय जय गणराज। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।